वो रहा घोड़ा आवाज का है। ए गाइस ये देखो घोड़ा, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। तो मैं इतना पास आके वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा है, शांत बैठा है। ये लो किस भी कर दिया। तो कितना भी डरा ले भाई, एक इंच भी मैं पीछे नहीं जाने वाला हूँ। Alright, so hey guys, what's up? This is Mohammad Jahid. Welcome back to another new vlog. So guys, अभी मैं हूँ यहाँ पे प्याकरा लेक। सो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा है। तो गाइस लास्ट वाला व्लॉग तो एकदम खतरनाक यहाँ पे हमने बनाया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे में बोट, स्पीड बोट, हमने भी उस वाले बोट को राइड किया था एंड बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो जाके वो वाला ब्लॉग जरूर से चेकआउट कर लो। अभी हम यहाँ से जाने वाले पाइन फॉरेस्ट, आज के ब्लॉग में पाइन फॉरेस्ट जाएंगे, शूटिंग स्पॉट जाएंगे एंड वहाँ पर जाके हम हॉर्स राइडिंग करने वाले। सो मस्त एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो गाइस पीछे तो बहुत तेज हवा चल रहा है, एकदम मस्त एंड ब्लॉगिंग भी अच्छे से हो रहा है। सो लास्ट वाला ब्लॉग भी एकदम खतरनाक बनाया मैंने। सो अभी हम वापस ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। ये देखो बंदर डर गया। नहीं भाई तू डराएगा, हम नहीं डरेंगे। और भाई कैसा था एक्सपीरियंस यहाँ पे बोटिंग करके? मस्त था, बहुत अच्छा था, बहुत मस्त था। ऐसे ऐसे इतना ही करता है कैमरा के अंदर, कुछ नहीं बोलता है। बोटिंग का तो फन बहुत अलग लेवल का होता है, मतलब इतना स्पीड बोटिंग किया हमने, पूरा ऐसे ड्रिफ्ट करके जिग-जैग लेके जा रहा था। सो जो भी है आप लास्ट व्लॉग जरूर से चेकआउट कर लेना। सो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। सो दैट्स इट, बाय बाय प्याकरा लेक। सो अभी यहाँ से जाएंगे सीधा पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट मतलब पाइन ट्रीज। सो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पाइन ट्रीज है। पहले तो हम देखेंगे पाइन फॉरेस्ट एंड उसके बाद हम देखने वाले हैं शूटिंग पॉइंट। सो वहाँ पर ना हॉर्स राइडिंग भी है। सो अभी हॉर्स राइडिंग का मज़े भी करना है। सो ये रहा बंदर जा रहा है एंड मैं पीछे देख के सामने ठोकने वाला था। सो ये रहा एंट्रेंस गेट। सो यहाँ पर आप जब आओगे ना तो आपको यहाँ पे 10 rupees एंट्री टिकट देना पड़ेगा टू व्हीलर्स के लिए। यहाँ से हम एंटर करके आए थे। सो पहले हम यहाँ से ना ऐसे सामने गए थे तो वहाँ पर प्याकरा वाटरफॉल था एंड वाटरफॉल से हम 1.5 किलोमीटर पीछे आए तो यहाँ पर आपको ये वाला जो लेक है मिल जाएगा। यहाँ के रोड तो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ है। सो ऐसे रोड तो मतलब एकदम सुकून है, ऐसे चलाते रहो पूरा जिगजैग बेबी। फाइनली हम पहुंच गए शूटिंग स्पॉट। सो ये रहा क्राउड, देखो भाई इतने सारे लोग। सो यहाँ पर अभी हमको बाइक पार्क करना पड़ेगा एंड उसके बाद ऊपर जाएंगे। सो ये रहे घोड़े, हॉर्सेस। सो हम हॉर्स राइड भी करेंगे। सो पार्किंग हम कहाँ पे, यहाँ पे करते हैं। पहुँच गए हम। सो वो रहा सामने घोड़ा एंड यहाँ पर लिखा है वेनलॉक डाउन टोल्स नेचर ट्रेल। सो गाइस अभी ना हम यहाँ पे रुकने नहीं वाले, अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो वहाँ पर जाके वीडियो फोटो ठीक से नहीं आएगा। सो अभी के लिए तो हम जाएंगे पाइन फॉरेस्ट एंड उसके बाद हम ऊटी जाएंगे, ऊटी जाके लंच करेंगे। ये लंच करने के बाद हम वापस यहाँ पे आएंगे शाम तक। सो शाम में अच्छे से क्या बोलते हैं ठंडा रहेगा मौसम। सो आराम से हम व्लॉग बना पाएंगे। सो गाइस ये देखो घोड़ा बीच रास्ते में खड़ा हुआ है। हे ओए खाटेगा, इसको पता नहीं ये पत्ता खिलाते है खाएगा कि नहीं। सो हमने सोचा काटेगा बट एकदम फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा प्यारा है। इसके बाल देखो इतना स्मूथ। मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये इतना ज़्यादा प्यारा है, हम इसको किस भी करेंगे ना तो कुछ नहीं बोलेगा, है ना भाई। वो वाला तो घोड़ा पीछे में बीच में खड़ा हुआ है। ऐसे रोड में ना कॉर्नरिंग करने का मज़ा अलग आता है एंड आप देख सकते हो मैं 60-70 के स्पीड में कॉर्नरिंग कर रहा हूँ। सो एक्चुअली स्पीड मेंटेन करना पड़ता है तभी परफेक्ट कॉर्नरिंग होगा। सो ये रहा फाइनली पाइन फॉरेस्ट। सो एंट्री सामने से, फाइनली वी आर हियर।
सो वो रहा, बहुत सारे लोग हैं आगे वहाँ पे। ये देखो बंदर, बंदर है। तो कितना भी डरा ले भाई, एक इंच भी मैं पीछे नहीं जाने वाला हूँ। मुझे डरा रहा है, तू भागेगा, मैं नहीं भागने वाला। तो गाइस अभी अंदर चलते हैं। सो वहाँ पर पहले टिकट काउंटर है, टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेने के बाद अंदर जाएंगे। सो यहाँ पर टाइमिंग है 8 AM to 6 PM पर पर्सन 20 रुपीज़। सो दो लोग के लिए हम 20-20-40 एंड कैमरा के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज 30 रुपीज़। चलते हैं, आ जाओ, लेट्स गो। तो ये सारे ऊपर में देख रहे हो ना, ये सारे पाइन ट्रीज है। सो वहाँ तक वो अलग है एंड ये पूरे सारे पाइन ट्रीज है। सो आप देख सकते हो कितने लंबे। सो पूरा यहाँ का पूरा एरिया वही है। सो अभी हम वहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे में वहाँ पे पानी दिख रहा है। सो पानी के पास भी जाके वीडियो बनाते हैं। पूरा वहाँ पर पानी दिख रहा है। अरे एंड ये है मिस्टर किमू, कृष्णमूर्ति। ओए क्यों ऐसे जा रहा, कुछ बोलना ना। हाय ब्रो। सो ये रहा पानी। सो पानी के पास अभी हम जाके स्विमिंग करेंगे, है ना। करें करें कहाँ से करेंगे। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। सो पूरा पसीना पसीना हो गया, बहुत ज़्यादा टैन हो गया एंड ऊपर से पूरा जो सनलाइट है पूरा फेस पे मार रहा है। सो हम यहाँ से आराम से सो जाते हैं। वाह, अभी हम वापस जाएंगे, ऊपर चलते हैं। अभी हम जाएंगे लंच करने एंड लंच करने के बाद जाएंगे हम शूटिंग स्पॉट देखने। सो वहाँ पर हॉर्स राइडिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेट्स हैव फन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फाइनली वी रीच्ड ऊटी। तो अभी जाके हम लंच करेंगे। सो यहाँ पर एक सामने में रेस्टोरेंट है। सो कल हमको इनवाइट किया गया है खाने के लिए। सो एक्चुअली ना उनको मैंने बताया कि मैं वीडियोस बनाता हूँ। सो उन्होंने मतलब खाना ऑफ़र किया है। सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप इतना दूर आ रहे हो सो लोग आपको खाना ऑफ़र कर रहे हैं। सो फाइनली वी आर हेयर अरफा रेस्टोरेंट। सो यहाँ पर पार्क कर देंगे गाड़ी। या चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हम ठीक है। सो यही वाले अंकल है जो हमको खाना ऑफर करने के लिए मतलब इनवाइट किए। सो ये इनका रेस्टोरेंट है अरफा रेस्टोरेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखो अरफा रेस्टोरेंट। सो यहाँ पर केरला, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। अंकल आपका नाम? मेरा नाम लियाकत अली है। लियाकत अली। सो आपके होटल पे स्पेशल चीज़ क्या है? हमारा होटल में ऐसे स्पेशल चीज़ तो मंदी बिरयानी है। मंदी बिरयानी। और मंदी बिरयानी मतलब कैसा होता है? वो मंदी बिरयानी जो एक अरबियन डिश है। अरबियन डिश। उसको फुल चिकन डाल के फुल चिकन को ग्रिल करके उसमें स्टफ करते हैं। ओके। उसको पहले से मैरिनेट करना पड़ता है। ओके। और बिरयानी का सिस्टम जो है तो वो दूसरा सिस्टम में बनाना चाहिए। ओके। और उसको उसमें मायानीस आता है, साइड डिश और ग्रेटेड चटनी आता है। ओके। ये रख के हम लोग उसको सर्व करते हैं। एक फुल का 800 रुपीज़ है। 800 रुपीज़ पर प्लेट। फोर और फाइव पर्सन कैन हैव इट। सो ये रहा मंदी बिरयानी। सो ऐसा आपको फुल प्लेट में आएगा, फुल चिकन एंड राइस। तो ये टोटल चार लोग खा सकते हैं ना? हाँ, चार या पांच लोग खा सकते हैं। हमको क्या खिलाने वाले हैं? आपको क्या चाहिए बताइए। आज तो मंदी बिरयानी हमारे पास हो गया है। ओके गाइस, सो बैड न्यूज़ है हमारे लिए, तो ये मंदी बिरयानी नहीं है एंड ऊपर से हम खा भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। सो एक और चीज़ कुछ भी अच्छे से ट्राई करेंगे। अभी हम ट्राई करेंगे शेजवान राइस। सो लाने दो बैग, सब हमने यहाँ पे रख दिया टेबल के ऊपर। सो गाइस हमारे लिए स्पेशल यहाँ पर नूडल्स आ गया एंड ये शेजवान राइस एंड उसके साथ शेजवान सॉस। तो ये तीनों हम ट्राई करने वाले। स्पाइसी एकदम मस्त है। आ गया हमारा चिली चिकन, थोड़ा सा गरम है, बहुत क्रिस्पी है। हाउ इज द टेस्ट?
ज़्यादा कुछ स्पाइसी नहीं है, फ्लेवर्स बहुत मीडियम है, बहुत सिंपल सा। फूड ब्लॉगिंग क्यों नहीं करता तू? टेस्ट बहुत अच्छा है। ये इसको ट्राई कर, इसको चिकन बहुत क्रिस्पी है इस पर। वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया पॉइंट। और सॉल्ट सॉल्ट और जो भी चिल्ली है पूरा करेक्ट से, मीडियम करेक्ट से, मीडियम करेक्ट से। गाइस फाइनली पूरा खा के ख़त्म कर दिया। एंड मैं आपको रिव्यू बताता हूँ, ये जो शेजवान का सॉस है ना एकदम मस्त लगा। इसमें ना थोड़ा सा स्वीट एंड गार्लिक का जो टेस्ट था एकदम अच्छा था। एंड चिल्ली चिकन तो मेन इसमें क्रिस्पी था, क्रिस्पीनेस था। एंड जो नूडल्स हमने खाया था वो भी अच्छा था। एंड शेजवान राइस बता रहे रिव्यू कैसा लगा, लाइक ओवरऑल? ओवरऑल रिव्यू तो 10/10 रेटिंग्स दे सकते हैं। ओके सो ये वाला पीछे में आप होटल देख रहे हैं, सो इनका अंदर ऐसा है। सो पेट भर के एकदम मस्त खाया। सो हम अभी यहाँ पे दोबारा भी आएंगे फिर। सो आप लोग भी मतलब यहाँ पे आ जाना, मतलब एकदम रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड अंकल डिस्काउंट डिस्काउंट भी मिलेगा ना? हाँ। तो मेरे तरफ से जो भी आएगा उन सब के लिए डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच बाय। अरे वो तो ले ले रहे, बैग हमने वहीं पे छोड़ दिया। सभी चलते हैं। सो गाइस बहुत अच्छा लगा, मतलब वो लोग खाने के लिए ऑफर किए, हम इतना दूर से आए। सो अच्छा फील होता है ऐसे, मतलब लोग से मिलो एंड वो आपको इतना प्यार दे, सपोर्ट दे। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे शूटिंग स्पॉट। सो वहाँ पर जाएंगे, जाके हॉर्स राइड करेंगे, उसके बाद मज़े करेंगे, जो भी है चलते हैं। चलो सो गाइस फाइनली वी आर हियर। सो ये वाला भी शूटिंग स्पॉट है। सो गाइस हम यहाँ पे रुके, सो यहाँ पर भी है शूटिंग स्पॉट। सो जो पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था वो वाला वहाँ पर था। सो वहाँ पर मैंने, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्राउड है ना, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे यहीं पे हॉर्स है तो पहले यहाँ पे हॉर्स राइड करेंगे, फिर उसके बाद हम चल के अंदर जाएंगे। सो पता नहीं क्या है, देखते हैं पहले। बोला अंकल राइड 150 हाफ राउंड, फुल राउंड 300 आपको दो राउंड मिलेगा, मतलब हाफ राउंड अगर आप जाना चाहते हैं तो ये रोड के पास जाके आएंगे एंड फुल राउंड ये पूरा जो फॉरेस्ट है अंदर से हमको लेके आएगा। सो टोटल हाउ मेनी मिनट्स? 10 मिनट्स और फुल राइड। फुल राइड, सो फुल राइड पूरा 10 मिनट्स का होने वाला है। सो हम फुल वाला राइड करके आते हैं। हॉर्स कौन सा होना चाहिए? वो वाला है ना, उसको उसको सी, ये देखो वाइट हॉर्स, इसके बाल मस्त है। ओए इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पता है, ये देखो टच करने से बहुत चिढ़ता है। सो गाइस अभी हम हॉर्स राइड करने वाले हैं। घोड़ा आवाज का। सो इसको ना हम ऐसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसे के तो राइट, ऐसे के तो लेफ्ट, जाते रहेंगे जाते रहिए खन्ना जाते रहो। ये देखो गाइस चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। सो यहाँ पर आप जो पीछे देख रहे हो ना नजारा, ये वाला है शूटिंग स्पॉट। ये तो एकदम मस्त धार है, उड़ जाएगा रे हवा में। सो अभी राउंड खत्म, अभी हम वापस जा रहे हैं जहां से हमने शुरू किया था। सो घोड़ा तो मस्त है एकदम, हॉर्स राइडिंग में बहुत ज्यादा मजा आता है। पीछे वो आ रहा है। तो फाइनली वी आर बैक, उतरना नीचे, उतर जा।
सो गाइस बस आज के व्लॉग में इतना ही था। सो वो जो शूटिंग स्पॉट था बस उधर तो कुछ नहीं है, मतलब एक पहाड़ है हिल टाइप, सो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जगह है। सो आज के व्लॉग में इतना सा ही, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कल एक और व्लॉग आने वाला है, कल एकदम अच्छे से प्लेस और अच्छा प्लेस एक्सप्लोर करेंगे। सो आज का जो व्लॉग है आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो इसको भी बोल देते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, बाय बाय, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टाटा।